नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाहर का उम्मीदवार नहीं चलेगा। कार्यकर्ता हूँ, जैसे ये कार्यकर्ता सभी पक्ष के कार्यकर्ता है, वैसे ही मैं पक्ष का कार्यकर्ता हूँ। हाथ में कमल का फूल लेके हमने अनेकों से दुश्मनी की है, संघर्ष किया है, वैसे ही ये कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। आज संघर्ष ये कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे कांग्रेस के साथ में। अब उनकी भावना है, उनका आक्रोश है, उनको लगता है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पार्टी ने टिकट डिक्लेयर नहीं की है। और पार्टी ने डिक्लेयर नहीं की है तो वेट एंड वॉच की भूमिका हमने सबने लेनी चाहिए। जब पार्टी डिक्लेयर करेगी तो उसके बाद में सोचेंगे। पार्टी ने अगर सोचा और कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से इच्छा है, संदीप जोशी दिखेंगे। हमें बाहर का या कहीं का भी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ संदीप बाबू होना। संदीप बाबू इसलिए होना, गत 3 साल से इस पश्चिम नागपुर की जनता के लिए जो संदीप बाबू कर रहे, हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए जो संदीप बाबू कर रहे। अरे आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी कोरोना में गुजर गए, उसके बाद भी अगर हमारे लिए किसी ने किया, हमारे परिवार के लिए, तो हमारे संदीप बाबू जोशी ने किया। किसी नेता ने नहीं पूछा, संदीप बाबू ने पूछा, सागर तू कैसा है, तेरे घर का कैसा चल रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति जब हमारी बात रखता है तो हम क्यों नहीं हमारे पक्ष श्रेष्ठी को बोले कि हमारे नेता को टिकट दो। और हमारे नेता को टिकट देना ही चाहिए। जात पात देख कर अगर देखा होता तो हमारे जैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया होता, अपने जाति के ही तरफ ध्यान दिया होता। और क्यों जात पात लाते हो, हमें जात पात वगैरह नहीं होना। ऐसे ठाकरे वाकरे हम देख लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे नेता को चुना के लाएंगे। यदि मौका नहीं दिया तो हम तुमको बता रहे सामूहिक रीति से राजीनामा भी देने तैयार है, पर हमारी आखिरी और आखिरी अंतिम घड़ी जाएगी, संदीप भाऊ जो बोलेंगे वही करेंगे। आणि शेवट येणारी आगामी निवडणूक जी विधानसभाची आपण बघतोय, हे जे कार्यकर्त्यांचं जल्लोष बघतोय, इथे 80 वयापासून तर 18 वर्षा वयापासून सर्व उपस्थित असल्यामुळे आपल्याला सर्वांना एकच बोलणं आहे आमचं, पश्चिमची विधानसभा एवढी एवढी हायटेक होणार आहे याची कल्पना पक्षश्रेष्ठांना असून पण इथे संदीप दादाच हवा ही सर्वांची भावना आहे। आणि त्यांनी केलेल्या कामाची पाचपावती म्हणून पश्चिम नागपूरची उमेदवारी ते जिंकणार याची तुम्हाला शाश्वती देतो। एक सच्चा कार्यकर्ता म्हणून आणि दिलेल्या कामाची यादी ही त्यांच्या सोबत असते, म्हणून हे सर्व कार्यकर्ते जिथे गोळा आहे दिलेल्या कामाची यादी त्यांच्या सोबत असते। त्याच्यामध्ये विजयाचा बिगुल हा पश्चिम नागपुरात संदीप दादाच वाजवणार, एवढ्या निष्ठेने कार्यकर्ते इथे आले, एवढ्या निष्ठेने कार्यकर्ता जमिनीवर उतरून काम करेल। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस, इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3,050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2,000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जगन्नाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।